थाना गांधी पार्क को एक सूचना मिली थी जिसमें एक ट्रक में अवैध गांजे के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया था। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्को के तहत कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसमें इस ट्रक को तलाश किया गया और तलाशी के दौरान इसमें यह पाया गया कि यह ट्रक बड़ी मोटरों के ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में एक विशेष प्रकार की कैविटी जो कि इसके अंदर बनाई गई थी में 28 पैकेट नशीला गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जिनका वेट 140 किलोग्राम है और मार्केट में जिनकी कीमत लगभग 14 से 15 लाख रुपए है। इस ट्रक को के साथ दो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम है रफीक पुत्र किताब सिंह संदीप और सोनू पुत्र महेंद्र, जो कि दोनों के दोनों हरियाणा के निवासी हैं। इसमें ट्रक तथा 28 पैकेट नशीला गांजा और 8 लोहे की मोटरें जिनको ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में ये गांजा ले जाया जा रहा था को पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूछताछ के आधार पर दो अन्य व्यक्ति के नाम प्रकाश में आए हैं जिनको तस्दीक किया जा रहा है और उनके तस्दीक के बाद उन पर दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए आपके शहर आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए हैं, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।